नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे ग्रुप डी के लिए लगभग 62,907 वैकेंसीज का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दोस्तों आज से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने फोटो संबंधित कुछ रिक्वायरमेंट मांगी हैगी। अगर आपकी वह फोटो उस प्रकार की नहीं होती जिस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड ने मांगी है तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसकी फ़ोटो किस प्रकार होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन ही बताया कि आपकी फ़ोटो किस प्रकार की होनी चाहिए। आप यहां से पढ़ सकते हैं कि रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो टेप को सिलेक्ट करें और अपना रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। रंगीन फ़ोटोग्राफ निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं कि रंगीन फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद एंड हल्के रंग का होना चाहिए। तो दोस्तों जो रंगीन फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद व हल्के रंग का होगा। अगर आप ग्रीन या रेड रंग का बैकग्राउंड रखते हैं तो आपका आवेदन हैगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। तो फ़ोटो का साइज़ लगभग 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm होना चाहिए। इस पर नाम लिखा होना चाहिए और तिथि लिखी होनी चाहिए। दोस्तों तो आप अपने फ़ोटो पर नाम और तिथि लिखवा लीजिए और साथ में ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ जो होगा, फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर दोस्तों आप इससे ज़्यादा या कम की फ़ोटो की साइज़ रखते हैं तो आपका आवेदन मतलब फ़ोटो आपकी अपलोड नहीं होगी वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप अपना साइज़ चेक कर लीजिए और यहाँ पे जो सफ़ेद बैकग्राउंड है वो भी करवा लीजिए और फ़ोटो पे अपना नाम और डेट डलवा लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे भी बताया है कि आपका फ़ोटो कब से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये डेट बताई गई कि 1 दिसंबर 2017 से आपका जो फ़ोटो है कि वो उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो नई होनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोटो मतलब अपलोड नहीं होगा। और अगर अपलोड भी हो जाता है तो आपका बाद में जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं बताएगा। तो दोस्तों आप फॉर्म भरने से पहले ये पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म आप भरें। और यहाँ पर भी कुछ बताया है कि फ़ोटो में उम्मीदवार का बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। दोस्तों आपको ना टोपी लगाना चाहिए और ना ही कोई सनग्लास लगा के फ़ोटो खिंचवानी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरे में देखते हुए पूरे चेहरे के व्यू के साथ फोटोग्राफ कम से कम 50% भाग चेहरे से कवर होना चाहिए। और यहाँ पे बताएगी चेहरे के मुख्य फीचर सिर के बाल या किसी कपड़े या परछाई से ढके नहीं होने चाहिए। यानी जो आपका चेहरा हैगा वो किसी बाल या किसी कपड़े से या किसी परछाई से ढका नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे भी कुछ बताया है कि यदि उम्मीदवार का चश्मा लगा हुआ है तो फोटोग्राफ में शीशों पर कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फोटो CBT PTE दस्तावेज सत्यापन वाले दिनों में उम्मीदवारों की आकृति से मैच होना चाहिए। दोस्तों जो आप फोटो अपलोड करेंगे जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे फ़ोटो आपकी मैच होनी चाहिए, अन्यथा अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं होती तो भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ बताया कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भविष्य में इस्तेमाल और भर्ती प्रक्रिया के दौरान ज़रूरत के लिए इस फोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियाँ यानी 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए उस फोटो से। और दोस्तों मैं आपको ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को आप भरें। और दोस्तों अगर आपकी कोई सी भी दिक्कत आ रही है इस फॉर्म से रिलेटेड भरने में या जॉब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसको हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।